नहीं है औकात तो मत करो शुरू, अभी भी समय है। घर वालों को पैर पकड़ लो, जल्दी हो गया, ले लो बीएससी में सीएससी में और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं एडमिशन ले लो। तो ना ही तो मैं ब्रेक दूंगा, ना ही तो कृपया करके मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है तो क्या होगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरी औकात है। हालांकि तू कमजोर है, तू बेवकूफ है, तू हारा हुआ है, तो वह फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पीरियड लगाना है। बस दो दो घंटे का क्लास होगी और उसका नोट बिनेंगे और हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। डेंस नहीं होंगी बेटा, डेंस नहीं होंगी। लंबे सफर में कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि हम युद्ध हार रहे हैं, मगर उस समय तुम्हें डरना नहीं है। उस समय तुम्हें चट्टान की तरह खड़े होना है, अपने को फिर से मोटिवेट करना है, अपने को फिर से प्रिपेयर करना है और फिर से लड़ाई के लिए लग जाना है। तो ऑलवेज एक्ट लाइक माई प्रिपरेशन एंड मी माई सेल्फ दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक चीज अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जिसकी हिम्मत शुरू से शुरू करने की होती है, जिसकी हिम्मत शुरू से शुरू करने की होती है, उसकी किस्मत कभी नहीं सोती है ना। आपको लगेगा कभी आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो आप किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं होंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई, आप किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और जो अलग तरीके से मेहनत कर रहा है वही इस वक्त जीतता है। कभी ना कभी तो हमें जीवन में किसी दूसरों से ज्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे। आपके पास इनफ टाइम है, डटे रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिनको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, मगर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है मगर समय भी है। 24 घंटे एक बहुत बड़ा समय होगा। डिफिकल्टी लेवल आएगी तो आपके लिए अच्छा है, आप सीखो, ठीक है, आप आगे बढ़ो। आप जब एक बड़ी मुश्किल को पार करते हो तो क्या होता है, आप बड़ी चीज के लिए तैयार हो। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर, जब सारा काम खुद ही करना है तो दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों रहे सर। जैसे आपने सपना देखा कि पहली रैंक आएगी, तो मैंने कहा तुमने जो सपना देखा बिल्कुल सही देखा है, मगर मेरे प्यारे बच्चे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें और हमें दोनों लोगों को। सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, सपनों पर मेहनत करने से पूरे होते हैं। कि अपने ऊपर भरोसा करना है आपको, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई ताकत अगर आपको इस दुनिया में जिता सकती है तो वो है आप अपने आप को। गिर जाओ तो ये मत समझना कि अब अंत हो गया है, गिर जाना कभी भी अंत नहीं होता। गिरे हो, उठोगे, चलोगे, संभलोगे, दौड़ोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा बैकलॉग ना हम पूरा कर सकते हैं ना घर वाले पूरा कर सकते हैं, तो कौन करेगा, तुम करोगे। इसका मतलब तुम्हारी लड़ाई तुम्ही से है कि नहीं? सुल्तान वाला डायलॉग याद है ना, वही चल रहा है। तो पूरी जान लगा के मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन की बात है, थोड़ा और ताकत लगाओ, थोड़ा और ताकत लगाओ, क्यों, तुम्हारी लड़ाई तुम्ही से है, तुम्हें अपने से जीतना है, अपने से जीतना है। इन द सेंस आप जिद्दी बनो कि नहीं, आज हम बैकलॉग नहीं होने देंगे, चाहे रात में जगना पड़े। कैसे छोड़ दूं मैं मेहनत करना, क्योंकि मां ने कहा था चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी समस्या हो, कभी मत डरना। स्टूडेंट की जिंदगी में कंफर्टेबल जोन सबसे खराब चीज होती है। कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई के लिए यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम पेन, आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। तुम अगर जोमैटो करने आए थे कि भैया आएंगे जोमैटो वाला आएगा और हमें पका पकाया आंसर देके चला जाएगा, तो तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा जो गोल है वो ही गलत है, तुम्हारा जो तरीका है वो गलत है। तुम मेहनत करने से बचना चाह रहे हो जो कि गलत है। जैसे हम पास जाएंगे पेपर के, वैसे वैसे हम लोगों को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने को स्ट्रेस करना पड़ेगा, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे की ओर भागना पड़ेगा। जबकि मैं पुश करता हूँ कि तुम अपने घंटे बढ़ाओ पढ़ने के, क्यों, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अब हम लोग धीरे धीरे मंजिल के पास आ रहे हैं, और जब बच्चों मंजिल के पास आ जाते हैं तो जोश बढ़ जाता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तुम अपना वर्क बढ़ाओ, मतलब घर में पढ़ने के टाइम बढ़ाओ, ज्यादा पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं यार हम पढ़ेंगे तो उतने ही घंटे, हम सर को डाउन कर देंगे। अगर हम डर डर के कोई काम करेंगे तो कभी भी हम उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते, है ना, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अपने लक्ष्य
अपना विजन क्लियर रखो, डरो मत, लाइफ में जो होगा यार देखा जाएगा, ठीक है। मैं तो कभी फर्स्ट आया ही नहीं हूँ कभी अपनी क्लास में, तो मैं कैसे आ पाऊंगा। बट बिल्कुल नहीं डरना चाहिए बेटा, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। वो समय आ गया है जिस समय, जो समय निर्णायक होता है, मतलब डिसाइडिंग टाइम आ गया। ये डिसाइडिंग टाइम आ गया है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। जिस तरह से मैदान में आप लोग डटे हुए हो, उसी तरह से डटे रहो। ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट तक डटा रहूंगा। आपको नीचे गिराने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए 1 करोड़ की पावर, 1 करोड़ फैक्टर्स है, बट एक ही ऐसा फैक्टर है जो आपको उस डायरेक्शन में हमेशा मेहनत करने के लिए बोलेगा, और वो है IIT। सारी चीजें IIT के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी IIT। इस माइंडसेट से काम करोगे तो कभी भी परेशान नहीं। इफ यू आर नॉट पुशिंग योरसेल्फ, तो आपका लाइफ कैसे आगे बढ़े? आपको अपनी तरह अपने आप को तकलीफों में डालना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होना। कंफर्टेबल जोन इज द वर्स्ट थिंग इन द स्टूडेंट्स लाइफ। डरना नहीं है, हु यू आर वॉरियर्स, योद्धा हो तुम लोग, डर नहीं सकते हो, डरने ऐसी चीज होती नहीं है। मेहनत करेंगे, एक बार गिर गए हैं, गिरने के बाद फिर उठेंगे, मेहनत करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे। कुछ भी शेयर करना है अपने दोस्तों से ज्यादा मम्मी के साथ, पापा के साथ शेयर करिए, वही आपके असली दोस्त हैं। आपके मम्मी पापा आपकी तरक्की से हमेशा खुश होते हैं, वह हमेशा आपके साथ हैं, हर दम, हर पल में, हर मोड़ में जिंदगी के आपके साथ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त, हर मुसीबत में काम आने वाला सिर्फ एक ही है, मम्मी और पापा, यानी आपके पेरेंट्स। कि अपने जब तुम लोग गोल बड़े करोगे तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओ। कुछ करना है तो बड़ा करो ना, छोटा क्यों करते हो? थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते, मगर उसी दिन तुम्हें ये याद करना है कि तुम बने किस लिए हो। आंखें बंद करनी है और अपने सामने अपने को डॉक्टर के लिबास में देखना है। कोई अपने किस्मत के पन्नों को इस तरह गढ़ रहा होता है कि जब तुम सो रहे होते हो तब वो पढ़ रहा होता है।